हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल सी एस टेक्निकल। दोस्तों, जैसे कि आप सब पेरेंट्स को पता होगा और सभी बच्चों को भी पता होगा जो 9th 10th 11th में थे कि सीबीएसई का 10th और 12th का रिजल्ट आउट हो चुका है और इसके साथ ही साथ सीबीएसई यानी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो गई है। तो मैं आप सभी बच्चों से और साथ ही साथ पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जा कर के पता करें या उस स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर पता करें, क्योंकि स्कूल जो है अपने नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा देता है कि किस क्लास में कितने एडमिशन्स के लिए मतलब वैकेंसीज हैं। ये मैं क्लास 11th की एडमिशन के लिए बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि 10th क्लास का रिजल्ट आउट होने के बाद ही 11th क्लास में एडमिशन स्टार्ट होते हैं। तो अभी जो है सीबीएसई का 10th का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर स्ट्रीम वाइज वैकेंसीज भी अपडेट कर दी जाती है कि इस क्लास में इतनी वैकेंसीज है, इस स्ट्रीम में इतनी वैकेंसीज है, और साथ ही साथ स्कूल के जो नोटिस बोर्ड है वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो आप स्कूल में भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ एक ऑफिशियल लेटर भी था जिसमें ये अनाउंसमेंट किया गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ शेयर कर दूँ, जिससे कि बहुत सारे पेरेंट्स को मतलब हेल्प मिलेगी अपने बच्चे का अगर एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 11th में कराना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक वो नोटिस दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो केंद्रीय विद्यालय शिवमोगा लिखा हुआ है, इसी का मैं अपडेट कर देता हूँ ताकि स्क्रीन इसकी बड़ी हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, केंद्रीय विद्यालय शिवमोगा में कक्षा 11वीं विज्ञान स्ट्रीम के लिए प्रवेश आरंभ। सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 22/7/2022 को घोषित किया गया और कक्षा 11 विज्ञान स्ट्रीम के लिए प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया खोली गई है। ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों का 11वीं में विज्ञान स्ट्रीम में पंजीकरण प्राप्त करने का इरादा रखते हैं, यदि न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत प्राप्त हो तो 11वीं कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चों से अनुरोध है कि वे स्कूल कार्यालय से संपर्क करें और पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें। इसे भरकर अंक विवरण के एक फोटोकॉपी के साथ 31/7/2022 तक स्कूल के कार्यालय में जमा करें। केवी छात्र और गैर केवी छात्र पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण फॉर्म विद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या इसे हमारे स्कूल के वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। पात्रता विषय संयोजन व अन्य विवरण के लिए हमारे स्कूल की वेबसाइट जो ये लिखा हुआ है shivmogakvs.ac.in पर देखें। आप स्कूल के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ केंद्रीय विद्यालय शिवमोगा का एक जो है नोटिस था। ऐसी जितने भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं सबके नोटिस होते हैं। बहुत सारे स्कूलों के नोटिस आए होंगे, बहुत सारे स्कूलों के नहीं आए होंगे, तो आप उसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसको देखें। वहाँ पर अगर आपको नोटिस मिल जाता है ठीक है, वहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पर सिर्फ साइंस साइड के लिए बताया गया, जो साइंस स्ट्रीम से मतलब साइंस से अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए। तो आप चाहें तो अगर आप अपने बच्चे को आर्ट में या कॉमर्स में डालना चाहते हैं तो वहाँ पर आप वैकेंसी पता कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है केवी स्टूडेंट और नॉन केवी स्टूडेंट दोनों के लिए होती है। तो वहाँ पर प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो आप जाकर के स्कूल से कॉन्टेक्ट करें, जिससे कि आपके बच्चे के एडमिशन में आसानी होगी। दोस्तों, मैं अभी कोशिश करूँगा कि जो अभी नया सत्र स्टार्ट होने वाला है केंद्रीय विद्यालय के लिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियोस बनाऊं। तो अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आप लोग शेयर कर दूँगा, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराने में ईजी होगा और हेल्प हो सकेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक ले थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।